अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेडी। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है फ्रॉम मुमरा स्टेशन टू शिलफटा अलग अलग वेरिएंट्स में है। अब मेरे पास एक न्यू प्रॉपर्टीज आई है जो नियर टू पोजीशन है, 33 लाख से 1 BHK के स्टार्ट होता है, जो मार्केट में सबसे चैलेंजिंग रेट है और ये नियर टू पोजीशन है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कॉल बिजी आए तो क्या करना है पता है आपको, व्हाट्सअप करें। आराम से लेते हैं, लेते हैं साथ में ले लो ना। ऐसा है कि मैं हमारे नामदार, हमारे लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे सर का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही में इसका पूरा योगदान हमारे को जो मदद करने का हमारे लाडले उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार साहब को देता हूँ, जिन्होंने विशेष निधि अपने प्लानिंग डिपार्टमेंट से हमको दिया है, और फडणवीस साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। 2 साल से इलेक्शन नहीं हुए महापालिका के, हल्के के अंदर कुछ बहुत जरूरी काम थे, कुछ टेक्निकल काम थे जो आवाम को राहत दिलाने के लिए बहुत जरूरी थे, मसले हल करने जरूरी थे। वो डिमांड हमने राज्य शासन महायुति सरकार के पास की थी। आज सब हम महायुति के घटक है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, सभी हम महायुति सरकार में है, तो हमने विशेष निधि की मांग की थी। और पहले टप्पे के अंदर, ये पहला टप्पा है, आने वाले दिनों में बहुत से इंशाल्लाह दादा उप मुख्यमंत्री साहब की तरफ से, शिंदे साहब की तरफ से हमको आने वाले हैं। तो ये पहले टप्पे के अंदर 50 करोड़ रुपए का निधि आवाम के लिए मिला है, और इससे आवाम के अंदर जो जरूरत काम थे सभी हल्के के कुछ कामों को लेकर 50 करोड़ रुपए का निधि गया है। हमारे पार्टी के ही वो उम्मीदवार थे, घड़ियाल निशानी के ऊपर ही हमेशा चुन के आते थे, तो इस वक्त घड़ी की निशानी पे जो भी उम्मीदवार है, कुछ है हमारे पास में, लोगों ने चाहत जाहिर की है, वो हम पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखेंगे। और पार्लियामेंट्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बोर्ड और इस महायुति घटक के हमारे प्रमुख नेता शिंदे साहब, माननीय मुख्यमंत्री, इनको विश्वास में लेके कोई ना कोई नाम चुना जाएगा। बट वो उम्मीदवार जब चुना जाएगा चुना जाएगा, बट वो उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि राष्ट्रवादी के उम्मीदवार है वो हमने लिए। इसीलिए सब ज्येष्ठ माजी नगर सेवक, माजी महापौर, माजी विरोधी पक्ष नेते, ज्येष्ठ पदाधिकारी सब मिलके आज हमने बिस्मिल्लाह शुरुआत की है। देखो आज हमारे सामने कहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर स्पेशली कलवा और स्पेशली मुमरा के बहुत मुद्दे हैं, जिसको ना के आपके सामने सिर्फ लाना है, बट उसके साथ साथ वो मसले भी हल करना है, और हम इलेक्शन के पहले ही 90% मसलों का। मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे के हाथों उद्घाटन हुआ था वो ब्रिज, बाईपास के ब्रिज, वहां पर 25 जून का एक हादसा हुआ, उसके बाद से लेके सेफ्टी बेल्ट लगाने की मांग है वो निरंतर की जा रही है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से उसको लेकर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। आप इतनी निधि की बात कर रहे हैं, इतना डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कब कदम उठाया जाएगा? ऐसा है कि आपको मैं बता दूं, इसके लिए आपका कि एवरी वीक एक मुद्दा आने वाला है। मैं आज आपको खुश करने के लिए झूठ और कसम ना मैं खाता हूँ, ना झूठ बयान करूंगा, ना मैं कभी ये कहूंगा कि मेरे कब मैयत के ऊपर से चल के जाइए, मैं ऐसे कोई बयानात करूंगा नहीं।
मैं आपको कहता हूं कि टोटल सिर्फ वो हादसे के ऊपर नहीं, हमने कल ही उप मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की है, आने वाले दिनों में टोटल बाईपास आत्माराम चौक से जो शुरू होता है तो वाई जंक्शन के अंदर जो आवाम के लिए जो सेफ्टी वॉल है, जो सर्विस एक्सेस रोड है, ना कि वो पर जो एक बिल्डर के बारे में आप क्यों ने तहकीकात कर रहे, वो बिल्डर किसका आदमी था जिसके लिए आरएमसी आया था और वो आरएमसी गलत जगह पे ताला पलटी हो गया जिसके वजह से जो सम्राट नगर के अंदर कुछ नाबालिगों की मौत हुई। सम्राट नगर अलग है, बाईपास का वो अरे बाईपास से उतरा ना वो सुनो वो किसका था। और सेकेंड चीज जो वो बाईपास का आप बताए जो हादसा हुआ था उसके लिए जो सेफ्टी वॉल है, जो प्रिकॉशन लेना है और उसका सर्विस रोड जो लेना है बाजू का, मेरे ख्याल से राजू अंसारी ने वो सिफारिश किया था बट निधि अभावी वो टप्पा नंबर दो में रखा गया है और वो सेफ्टी वॉल की मीटिंग आने वाले दिनों में माननीय उप मुख्यमंत्री साहब के दालन में लगने वाली है और वहां से आने वाले दिनों में निधि अभावी मिलने वाली है। महायुति हाँ मैं आपके बयान से मुत्तफिक नहीं हूँ क्योंकि वो घटक पक्ष नहीं है ना हमारे, वो सरकार में है ना उनका पाठिंबा है और उनके अध्यक्ष उनकी बातों से हम सहमत नहीं है और वो चीज का एतराज हमने पिछले खासदारी की के निवर्तुक में ना किया हम बट खुसूसन शिवसेना की तरफ से भी उसका एतराज जताया गया था, हर पार्टी की तरफ से एतराज जताया गया था, वो हमारे घटक पक्ष नहीं है और मेरे ख्याल से आप थोड़ा अपडेट हो जाइए, कल उनके अध्यक्ष ने बयान भी किया कि वो विधानसभा अलग लड़ रहे तो थोड़ा सा वो हमारे घटक पक्ष नहीं है तो गलत बयान आप न की इसकी हर इलेक्शन में मेहनत करनी पड़ती है हर एक को और उसकी तरफ से मेहनत तो करते आ रहे हैं आगे भी मेहनत करेंगे, कामयाबी देने वाला तो ऊपर वाला है। कौन सी विचारधारा, किस तरह का सवाल यहाँ पे किया गया कि वो विचारधारा के, सुनो वो विचारधारा के हम नहीं है, वो विचारधारा के रहते तो जो अल्पसंख्यक के लिए जो डेवलपमेंट के काम किए गए हुए वो काम होते थे, जो अल्पसंख्यक के लिए वक्फ के लिए अभी निधि उपलब्ध करूँ दिया वो होते थे, जो अल्पसंख्यक के लिए मदरसों के लिए पैसा लाया गया वो होते थे, जो जिंदगी में कभी पिछले 2099 से हम सियासत में एक्टिव है उस दौरान से मैं कहूंगा कि माइनॉरिटी के लिए कभी इतने फंड उपलब्ध करूंगे, पूरे महाराष्ट्र में पिछले 4 महीना पहले 750 करोड़ रुपया सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के लिए कब्रस्तानों के लिए महाराष्ट्र में दिया गया, एक साल के अंदर इतनी बड़ी रकम कभी किसी को दी नहीं गई थी। देखो जो डेवलपमेंट के नाम पे पैसे की अफरा तफरी की गई है वो हम हमारे माजी नेता और आमदार उनके जो बयान और हकीकत में क्या है वो चिट्टा घोल पोल खोल करेंगे और हकीकत में आवाम के सामने सही चेहरा हर चीज का लाएंगे, कितना वो पर्दा डाल सकते हैं वो डालें। टोरेंट के लिए भगाएगा आमदार, भगाएंगे जितेंद्रवाद या एकनाथ शिंदे जी भगाएंगे, दोनों में से किस पे मोहर लगाएंगे? पहले तो जो कबर के ऊपर से चलने वाली बात करके क्या था वो लाश के ऊपर से जाएंगे, सुनो महायुति को कम वोट मिले तो शायद अपने टोरेंट के ऊपर बात नहीं की जाएगी, इस तरह की भी बातें चल रही है। क्या महायुति को एक मिनट, क्या कम वोट को कम वोट दिया गया यहाँ से? देखो तो सुनो जो ये हमने एक सोच बदलो मुमरा बदले का एक जिम्मा हमारा, एक मिनट, आप मुकम्मल सुनिए, पिछली जो बातें होती है पिछला जो साया होता है वो एक दिन में जाता नहीं है, तो जो हमने सब एक मिलके एक इंसान को जिम्मेदारी सोच तो आवाम की बदली थी, मुमरा बदलने का जो जिम्मा दिया था पता चला कि हम ही बदल गए मगर वो बदले नहीं, तो जो तुमने मुद्दा उपस्थित एक मुकम्मल जो मुद्दा टोरेंट पे आपने उपस्थित किया, पहले मैं आपको कहूं कि जो मुमरा के आपके दिमाग में डाला गया है ना
कि तुम वोट दोगे तो तुम्हारे काम होंगे, तो पहले तुम ये सोच अपनी बदलो। वोट की राजनीति करने हम वहां नहीं आ रहे। सर टोरेंट के ऊपर हमने पहले कहा विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में ली जाएंगी। हाल ही में कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, किसी और के ऊपर इल्जाम डाला गया है। हम सच्ची वाक्यों के साथ पुरावे के साथ आपके सामने आएंगे और उसके अंदर कैसी राहत दिलाई जाएगी। हकीकी बयान लाएंगे, हम झूठे बयान नहीं करेंगे। आपको आपको सुनो मेरी बात, मैं झूठ बात करूंगा नहीं, बात पसंद आए ना आए। मैं आपको कहा राष्ट्रवादी कांग्रेस से ही एमएलए बदलेगा। तुम्हारे सवाल खत्म हो जाए तो जवाब देता, जवाब देने ही नहीं देते आप। तो आप कौन बनेगा करोड़पति मत खेलिए ना। सरकार से क्यों नहीं बोलेगा खिलाफ? सुनो मेरी बात, क्यों नहीं खिलाफ में बोले? अपनी मनमानी कर रहे सर, वो सुनो मेरी बात, बिल भेज रहे हैं। आपको 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 मैं क्या कहता हूँ, बिल भेजने का ठेका किसका है? बिल भेजने का ठेका किसका है जो मेरी लाश के ऊपर से? तो सही टोरेंट के लिए मैं आपको एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा, उसमें विशेषता आपको पूरी आजादी होगी, पूरी आजादी के अंदर आपको टोरेंट के ऊपर बयान करूंगा।